मैं समझता हूँ कि चूंकि जो आईनी तरीका है उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व किया गया है, तो अब इस पे जो लोग कह रहे हैं कि इस पे तनाजा न किया जाए ये बेहतर होगा, और मैं समझता हूँ कि सदर साहब के पास भी कोई खास चॉइस नहीं है, उनको इस जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको भेजी है वो उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में अभी और किसी तनाजे की हमें जरूरत नहीं है, ये एक मसला है जिसको सेटल करके और एक तरफ रखा जाए और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारे मसले इक्तसादी हैं, हमारे मसले उनको टैकल करने के लिए हमें हमारे यहाँ किसी किस्म का सियासी इस्तेमाल होना चाहिए, और उसमें चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो एक अहम किरदार अदा करती है, वो कर लें। अब मैं समझता हूँ इस पर कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप समझते हैं कि समरी जो भिजवा दी गई आज और पॉसिबिलिटी के आज ही जो है सेंड कर दिए जाएंगे? हाँ, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, ये ऐसे ही होना चाहिए, और प्रेसिडेंट साहब को इस पे किसी किस्म की एतराज नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आईनी तौर पे जो किया गया है तो उनको अगर आईन की बालादस्ती रखनी है तो उनको उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है अलावा इसके इसमें अपने हाँ भर दी। ठीक है नजमुद्दीन साहब, जिस तरह हमने पूरा प्रोसेस देखा है बहुत ही स्मूथली से चला आ रहा है और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आगे भी स्मूथली से ही चला आए, लेकिन जिस तरह से हमारी सियासत के अंदर इस चीजों को जो है एग्जेजरेट किया जा रहा है, आप नहीं समझते कि ये चीजें गलत हैं? देखिए, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारे जो मसले हैं सियासी भी हैं इक्तसादी भी हैं, इस वक्त हमें एक और तनाजे की जरूरत नहीं है। ये मसला कम से कम अब हमें देखना चाहिए कि चूंकि ये आईनी तरीके के साथ किया गया है, हम इसको एक्सेप्ट कर लें, और न सिर्फ अवाम एक्सेप्ट करें लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट की बॉडीज हैं वो सब इसको एक्सेप्ट करें, और एस्टेब्लिशमेंट से मुराद मेरे प्रेसिडेंट साहब हैं कि वो भी एक्सेप्ट कर लें और फिर हम इस चीज से आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि फैसले को एंडोर्स यू भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इस फैसले के ऊपर बहुत सी चीजें अब भी रुकी हुई हैं। तो आप ये नहीं सब समझते कि इमरान खान जो कि पाकिस्तान तरीके साहब के चेयरमैन है वो मुल्क की मफाद की खातिर इस फैसले के आड़े नहीं आएंगे? मेरा ख्याल है कि वो नहीं आएंगे। वो उन्होंने ये जरूर कहा है कि मैं चाह रहा था कि न सिर्फ सीनियोरिटी लेकिन मेरिट को भी मद्देनजर रखा जाए, लेकिन इसमें मुझे नजर नहीं आता कि किस तरह वो कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ ऑनर विनर जो है उसका मेरिट नहीं है, या जो अपने बैच में सीनियर हैं उसको मद्देनजर रखे बगैर आपने उसको अपॉइंट किया है। ठीक है नजमुद्दीन साहब, जिस तरह 29 तारीख को ये अहम ओहदा जो है वो खाली हो जाएगा और हम उम्मीद यही करते हैं कि इस चीज को मुतनाजा बनाया नहीं जाएगा और इस अहम ओहदे पर जो है वो फाइस कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी ऑलरेडी रियासत को बहुत सारे चैलेंजेस है जिसका सामना है, तो आप क्या समझते हैं कि आज ही सिग्नेचर हो जानी चाहिए? देखिए, उम्मीद रख सकते हैं, अभी प्रेसिडेंट साहब पे भी देखिए आप, ये हमें एतराफ करना पड़ेगा कि उन पे भी दबाव आएंगे। ठीक है नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आज उसको